हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और थंबनेल देख के या फिर मुझे ऐसे देख के तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि मैं कुछ ज़रूरी बात ही करने आई हूँ आप लोगों से, जो कि मुझे ऐसा लगा कि ज़रूरी है। एक दिन पूरा विश्लेषण करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, मुझे आप लोगों से तो एटलीस्ट बात कर लेनी चाहिए। और आँखों को देख के और चेहरे को देख के थोड़ा सा तो आपको ये चीज़ फील हुआ होगा कि शायद मैं कल पूरे दिन परेशान रही हूँ किसी बात को सोच के। तो हाँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ। जो बात आज मैं करने आई हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक सही हूँ कहाँ तक गलत हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत के नाते मैं सही हूँ। तो इसलिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरे चैनल पर कुछ कॉमेंट किए गए, मुझे बोला गया कि दी आपके लिए अदर चैनल पे ऐसे बोला जा रहा है वैसे बोला जा रहा है। मैंने वहाँ पे क्लियर बोली ये बात कि डोंट वरी, मेरे लिए कब और कहाँ क्या बोला जा रहा है मुझे उसकी समझ है। बट हाँ, ये सार्वजनिक तौर पे जो कि यूनिवर्सल है, ऐसे एक साथ एक किसी कम्युनिटी को ये चीज़ ब्लेम करना मेरी नज़र में बहुत गलत है। किसी भी स्त्री पे, औरत पे अगर ऐसे कोई भी कमेंट बाजी हो रही है तो वो मेरे लिए गलत है। उसके लिए जो एक्शन मैं ले पाऊँगी मैं ज़रूर लूँगी, बिकॉज मैं भी एक स्त्री हूँ, एक औरत हूँ। और मैंने कभी भी किसी पुरुष को, किसी मर्द को ये हक नहीं दिया कि अगर कोई गलती ना हो तो हम पे ऐसी उंगली उठाई जाए, हमें कुछ बोला जाया जाए। मुझे नहीं पता किसके लिए बोला गया, मुझे ये भी नहीं, मुझे पता है नहीं पता क्या, मुझे पता है कि वो चीज़ मेरे लिए नहीं बोला गया है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने जो मेरे कमेंट सेक्शन में आके बोले, उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। क्योंकि जो वर्ड लैंग्वेज, वो तो शायद 1% है जो बोला गया है, मुझे मेरे पास्ट में लेके चला गया। और उस पास्ट में इतना दर्द है ना, इतना दर्द है। 2020 से लेके 22 हाफ तक आप मान सकते हो, वो दर्द मुझे कल पूरे दिन परेशान किया है। जैसा कि एक इंसान होता है कि अपने पास्ट को भुलाने की कोशिश करता है और किसी न किसी कारण से वो सामने आ जाता है तो वो इंसान परेशान होता है। तो मैं उस पास्ट में डिप्रेशन में गई हुई थी। देखो, पता है क्या, बहुत ईजिली बोल दिया जाता है आके सिंपथी ले रही है। अगर मुझे सिंपथी लेना होता ना, तब भी मैं सोशल मीडिया पे थी, क्योंकि मैं 2020 से आई हूँ सोशल मीडिया पे। तो 20, 21 और हाफ 22, मैं जिस स्थिति में रही हूँ, जिस तरीके से जो परेशान हुई हूँ, मैं मेंटली टॉर्चर हुई हूँ, वो मुझे पता है। आप लोग के साथ कभी शेयर नहीं किया। अगर मैं चाहती ना, जैसे आजकल मैं देख रही हूँ इतनी सी बात हो रही है ना, लोग सोशल मीडिया पे लेके आ जा रहे हैं और मतलब कुछ भी बोल दे रहे, कुछ भी कर रहे, व्यूज आ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। लेकिन मेरा कभी भी मकसद ना सोशल मीडिया को यूज़ करके पैसे सिर्फ कमाने का नहीं रहा कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपना सब कुछ गंवा दो, ये कभी मेरे दिमाग में नहीं रहा। हमेशा मुझे ये रहा कि अगर चीज़ें आज ख़राब हुई है ना तो कल ठीक हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ें हमने किसी को बता दी या सोशल मीडिया पर चला गया, उसको हम वापस नहीं ला सकते, ठीक है। तो मुझे सिंपथी गेन करना होता है ना और व्यूज़ कमाना होता है, तो मैं उस टाइम ही सारी चीज़ें बता देती जब मैं डिप्रेशन में गई थी। डिप्रेशन भी पता है किस हद तक, कि डॉक्टर ने ये बोल दिया कि अगर अभी इस पे ध्यान नहीं दिया जाए तो इसको अच्छे से अच्छे साइकाट्रिस्ट भी ठीक नहीं कर पाएंगे। और सोचो, ऐसी स्थिति आप लोगों के सामने नहीं आई है। मेरे डॉक्टर ने मुझे, जब मेरे हस्बैंड लेके गए तो मेरे हस्बैंड को बहुत डांटा, मेरी सासू माँ लेके गई तो उनको भी बहुत डांटा, फिर बाद में बोला भी कि इतनी अच्छी सास से क्यों परेशान है। मुझे मेडिसिन दी गई और वो मेडिसिन ऐसी ऐसी दी जाती थी ना मुझे, कि मैं 3 दिन तक, उस पीरियड में 3 दिन ऐसा आया हुआ था कि मैं बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई थी अपने रूम में। मैं मतलब मैं कब खाना खा रही हूँ नहीं खा रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता होता था। मुझे उठाया जाता था, हाथ में रोटी दी जाती थी, मैं खाती थी और मैं फिर सो जाती थी। मेरा बच्चा कब खा रहा है नहीं खा रहा है, दूध पी रहा है नहीं पी रहा, कहाँ जा रहा, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था। 2 दिन तो बिल्कुल ही ऐसी रहा, इस हद तक परेशान रही। और सोचो कि किसी के एक बात से अगर मैं उस फेज में चली गई तो मुझे कितनी तकलीफ हुई है। सो इसी वजह से मुझे हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो भी पुरुष हैं या मर्द हैं,
उन लोगों के साथ मुझे लिंक ना किया जाए कहीं भी, मुझे उस ऐसे जो भी दुनिया के कोई भी ऐसे, मतलब देखो जिसने मुझे जन्म दिया है ना वो भी एक मर्द है, जिसकी मैं बहन हूँ, दो दो भाई हैं वो भी एक मर्द है, शादी जिससे हुई है वो भी मर्द है, जिनकी बहू हूँ वो भी मर्द है, मैंने खुद अपने कोख से एक मर्द को ही जन्म दिया है। लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं कि मुझे मर्द जाति से कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी, लेकिन मुझे ऐसे मर्दों से सख्त नफरत है जो औरतों को कुछ नहीं समझते हैं। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं फिर भी सोच ऐसी रह गई ना कुछ लोगों की कि हम कुछ नहीं कह सकते। बुरा सिर्फ उन मर्दों पे नहीं लगता, बुरा उन औरतों के बारे में भी सोच के लगता है जो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देती हैं कि यार मर्द है ना, अगर गलती बात बोल रहे तो उसके किसी औरत के लिए गलत बोल रहे हैं ना, तो उसको रोकने की बजाय, उसे डांटने की बजाय हम उस पर हंस रहे हैं, हम उसे बोल रहे हैं कि हाँ हम सुनना चाहते हैं, हमें हमारे लिए और बोलो। मतलब ये एक हद है, मतलब मैं उन औरतों के बारे में बोल रही हूँ कि यार आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ऐसी ऐसी बातें आप सुनना चाहते हो, सोचने वाली बात है ये। रिएक्शन वीडियो ऐसे ऐसे बने हैं ना कि मतलब वो वीडियोस देख के ही शर्म आ रही है। ठीक है, मैं अंदर से बहुत कांप रही हूँ क्योंकि मुझे, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी इस बारे में बात करने की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे आप लोग से बात करनी चाहिए ताकि ये किस्सा कहानी ख़त्म हो। आज मैं सार्वजनिक तौर से कह रही हूँ, मेरा ऐसे लोगों से जो ऐसी बातें करते हैं और जो ऐसी बातों को बढ़ावा देते हैं और खुश होते हैं, ऐसे लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है बिल्कुल भी। मुझे ऐसे लोगों से कोई लिंक, किसी कोई भी इंसान मुझे ऐसे लोगों से लिंक ना करे बिल्कुल भी नहीं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मुझे लिंक ना किया जाए, मुझे बहुत दर्द देता है, बहुत तकलीफ़ देती है ये सारी बातें। मैं कल पूरे दिन परेशान रही हूँ, मैंने किसी से भी कुछ भी बात नहीं की, अपने रूम में पड़ी रही। सॉरी गाइज, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी एक्चुअली, पास्ट का दर्द ही इतना ज़्यादा है वो कि मैं वो चीज़ें याद आती हैं तो मैं परेशान हो जाती हूँ, और इसी वजह से मैं परेशान हुई कल। और बस कुछ नहीं, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखो आप, या आपका पूरा हक है, हम आपको दिखाते हैं जो भी दिखाते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग हमें बोलते हो और बोल सकते हो, लेकिन जो कमेंट करते हैं उनको हम, अगर वो हमें देख के बोल रहे तो हम उनको नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ कमेंट कर रहे हैं, उस बेस पे हम उनको इतना कुछ नहीं बोल सकते हैं जहाँ तक मेरी ओपिनियन है। इसीलिए आप लोग कहते हो ना, मैं इसीलिए नहीं बोलती क्योंकि मैं उनको देख नहीं रही हूँ, वो जो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जज कर रहे हैं। किसी भी, जब भी कोई सरकार बनती है तो एक आलोचक वहाँ पे जरूर होते हैं, विपक्षी दल जरूर होते हैं ताकि वो सरकार अच्छे से चल सके। बिल्कुल सोशल मीडिया में वैसी है कि अगर हम यहाँ पे आके कुछ भी गलत बोलते हैं या कुछ भी करते हैं तो इसलिए जो भी देखने वाले हैं उनकी पूरी राइट होती है कि वो आके कॉमेंट करें, लेकिन हाँ कॉमेंट जो है एक लिमिट में करें, ऐसा कॉमेंट ना करें कि कोई ऐसी उल्टी सीधी बातें बोले या कुछ भी ऐसे ऐसे आके मतलब इतनी गंद फैले। ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि ठीक है आप लोग का राइट है, आप लोग कमेंट करो, लेकिन मैं ये बात भी जरूर कहना चाहूँगी, कभी भी ऐसी गलत चीज़ों को बढ़ावा मत दो कि एक दिन आपको गिल्ट फील हो इस चीज़ के लिए। क्योंकि और किसी को तो छोड़ो, चाहे वो हैटर्स हो या फिर कोई सब्सक्राइबर हो, व्यूअर्स हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, ठीक है, हम किसी के लिए भी बोला जा रहा था, हम इस चीज़ को सोच के खुश नहीं हो सकते कि उसके लिए बोला जा रहा है ना तो हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसको बोला जाता नहीं। जब हम खुश हो रहे होते हैं ना उस टाइम हम अपना कर्मा लिख रहे होते हैं कि हम, अगर किसी के ऐसे तकलीफ पे हम खुश हो रहे हैं ना, वो घूम फिर के कहीं मेरे साथ ना हो जाए। क्योंकि देखो जो लोग बोलते हैं ऐसी बातें करते हैं, चाहे जो भी वो पुरुष हो, मर्द हो, जो भी हो, वो ये चीज़ बातें करते हैं, उनके अपने भी कुछ रिश्ते होते हैं जो औरतों के साथ होते हैं, चाहे वो माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, भाभी हो, एक्स वाई जेड, सास हो, साली हो, जो भी हो, बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं से औरतों से जुड़ रहा है, तो वो आज किसी और को बोल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान ऐसा हो जाएगा तो वो उस इंसान को भी बोल सकता है, हो सकता है ना, क्योंकि उस इंसान की ये सोच ही ऐसी। अभी तो सामने कोई और है तो हम उसको बोल दे रहे हैं, निकल जा रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कल को जब वो सामने वाला इंसान साइड हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर तो वो इस इंसान की ऐसी आदत ही रह जाएगी ना। दूसरी बात कि इन सब चीज़ों के लिए माँ बाप के संस्कारों पे उंगली ना उठाया जाए तो ही ठीक है, क्योंकि माँ बाप कभी भी गलत संस्कार नहीं देते हैं, वो अच्छे संस्कार देते हैं। एक ही माँ बाप के चार बच्चे हो तो कोई चोर बनता है, कोई पुलिस बनता है, कोई वकील बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, सब अलग अलग बनते हैं, तो इसमें माँ बाप का कोई दोष नहीं। कोई भी माँ बाप, चाहे खुद गलत भी करता हो ना कोई माँ बाप, वो भी अपने बच्चों को गलत संस्कार नहीं देता, संगति का असर होता है, इंसान की सोच ऐसी होती है। तो अगर एक ही माँ बाप के चार बच्चे हैं और उसमें अगर तीन अलग है, एक अलग है या दो अलग है, तो आप नहीं कह सकते माँ बाप ने ऐसा संस्कार दिया है, तो प्लीज़ माँ बाप के संस्कारों पे ना ही जाया जाए तो मुझे लगता है कि बेटर होगा।
एंड बस मुझे बस आप लोगों से इतनी सी ही बात कह रही थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है कि प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसी अगर कोई भी बात हो रही है, कहीं भी बात हो रही है, किसी भी चैनल पर बात हो रही है, तो उससे मुझे लिंक ना किया जाए, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं बोला जाया जा रहा है। अगर जिसको बोलना है वो सामने से आकर मुझसे बोल सकता है, बोले, या फिर जो भी बात करनी हो आमने सामने बात करें, मेरा नाम लेके बात करें, मैं नाम लेके जवाब दूंगी और सारी चीज़ें बताऊंगी। तो इस चीज़ के लिए आप लोग परेशान ना हो, ये चीज़ आके मुझे कमेंट ना करो, खास करके ऐसी बात जब किसी औरत या मर्द की ऐसी बात आती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ना बोलें कि ये आपके लिए बोला जा रहा है या कुछ भी, ठीक है। दुनिया में ये बात आप लोगों ने बहुत सही कही कि बर्दाश्त करने की एक बात अलग होती है और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात अलग होती है। तो मैंने आपको पहले भी बोला, मेरे लिए मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है, और मैं ये ज़रूर कहूँगी हर एक इंसान के लिए, चाहे वो पुरुष हो या औरत हो, हर इंसान के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट आपका सबसे ऊपर होना चाहिए, ना कि किसी और को गिराने के लिए या किसी और को गलत दिखाने के लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा दो, पैरों तले कुचल दो। वो इंसान मतलब ऐसे खुश तो रह सकता है, लेकिन दिमागी तौर पर वो ठीक नहीं रह सकता, उसको अंदर ही अंदर उसकी आत्मा उसको कचोटेगी, यार मैं ये क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। तो सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए इंसान का, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, पति पत्नी है, तो क्या पति पत्नी के अपने सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होते? उनके भी होते हैं, दोनों के अंडरस्टैंडिंग से रिश्ते चलते हैं। ऐसा नहीं है कि या तो पति ही दबा के रखे पत्नी को या फिर पत्नी ही दबा के रखे पति को तो ही रिश्ता चलता है, नहीं। हर एक चीज़ का मान मर्यादा होता है, ठीक है। और हाँ, मर्यादा से मुझे याद है कि मैं हमेशा अपने मर्यादा में रहती हूँ। अगर मैं मर्यादा से बाहर जाऊँगी तो मुझे बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, इतनी मतलब मेरी फैमिली के अलावा इतने सारे लोग मुझे देखते हैं, तो वो भी मुझे कह सकते बता सकते हैं कि यार अपने मर्यादा में नहीं, मर्यादा लांघ रहे। तो मुझे अपने मर्यादा अपनी लिमिट्स बहुत अच्छे से पता है, तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ों को अपने ऊपर नहीं ले सकती। इसलिए आप प्लीज़ आप मुझे इन सब चीज़ों से लिंक ना करें, मेरे लिए ऐसी कोई बात नहीं बोली गई है। बोली गई हो या नहीं बोली गई हो, मुझे दुख सिर्फ इसी बात का है कि किसी भी औरत के लिए ऐसे शब्द सोशल मीडिया पर यूज़ नहीं होना चाहिए और ना ही बोलना चाहिए, ठीक है। किसी को तकलीफ़ हो रहा है, मुझे भी तो तकलीफ़ हो रही है, मैं भी तो अपनी बातें रख रही हूँ, आप लोगों के सामने बता रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी लैंग्वेज को जो है इस तरीके से लोगों के सामने लेके आए कि लोग कुछ भी कहने लग जाए, लेकिन मैं सच्ची बता रही हूँ कसम से कि मुझे आज ये सोशल मीडिया पर ही सारी बातें बता रही हूँ और सबके सामने ये बता रही हूँ कि ऐसे जो भी मर्द है, मेरा ऐसे इंसान से कोई भी रिश्ता नहीं है, चाहे वो मर्द हो या उस मर्द को बढ़ावा देने वाली कोई औरत हो, मुझे ऐसे कोई मर्द या औरत बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और मैं ऐसे लोगों से, चाहे कोई भी रिश्ता हो, मैं हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ, ख़त्म कर चुकी हूँ। अगर ऐसा कोई है भी मेरे आसपास तो, या मेरी ज़िंदगी में कोई है भी तो, ऐसे लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सो प्लीज़ मुझे लिंक ना किया जाए, जो बोले वो खुद बोले, खुद सुने, मुझे इन्वॉल्व नहीं किया जाए, बस। गाइज, इन सारी बातों के बीच में एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि इन सारी चीज़ों का भनक ना मैंने अपने मायके वालों तक को भी नहीं लगने दिया। जब मैं डिप्रेशन में गई थी या कुछ भी हुआ था, मैंने अपने मायके वालों को भी नहीं बताया कि मैं डिप्रेशन में गई हुई थी या कुछ भी, क्योंकि मेरी एक हमेशा से आदत रही है कि जब भी मैं परेशान होती हूँ, दुखी होती हूँ, लोग कहते हैं ना माँ से बात कर लो मन हल्का हो जाएगा या जो भी, तो मुझे पता है मन हल्का तभी होता है ना इंसान जब अपने मन की बात कह देता है कि ऐसा है वैसा है, कि मैं कभी भी ना अपने माँ को भी फ़ोन नहीं लगाती। पता है क्यों? क्योंकि इंसान जब गुस्से में रहता है ना तो बहुत कुछ बोल जाता है, बहुत कुछ कह जाता है, फिर बाद में उसको पछतावा होता है। तो मैं जब भी परेशान रहती हूँ ना, मैं कभी भी अपने घर वालों को फ़ोन नहीं करती हूँ, ये सोच के कि मैं शायद कल को ठीक हो जाऊँ लेकिन मेरे माँ बाप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मैं उनको कभी कोई बात नहीं बताती थी, चाहे मेरी कोई भी बात हो मैं कभी भी उन लोगों को नहीं बताती थी। आज इस वीडियो के थ्रू उन्हें बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत कुछ आज से एक 2 साल पहले किसी और के थ्रू मेरे घर वालों को पता चला, उससे पहले उन्हें कुछ भी नहीं पता था मेरी किसी भी बात में। मैंने सिर्फ अपने अपने सुख जो है ना वो सारे शेयर किए हैं, यहाँ तक कि मायके वालों से भी दुख नहीं शेयर किया कभी भी। अगर कभी कुछ शेयर भी किया है ना तो वो बहुत बीतने के बाद, जब सारी चीज़ें ठीक होने के बाद, पता है ये ऐसे ना ऐसे हुआ था, फिर यह चीज़ ना ऐसे ठीक हो गए, ऐसे हो गए, इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को हैंडल किया है। और आज यहाँ के सब कुछ बता रही हूँ, वो टाइम तो नहीं है, लेकिन टाइम सही नहीं है फिर बताने का कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन जो हुआ है ना इन सारी चीज़ों के बीच में ये मेरे मुंह से निकला और मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोगों को इस चीज़ का एहसास हो कि कामनी स्ट्रांग है, वो सिंपथी गेन नहीं करती। ऐसा नहीं है कि यहाँ के मेरे हस्बैंड नहीं बोल सकते, वो बोल सकते हैं, लेकिन मैं क्यों उनको लेके आऊँ? क्या एक औरत इतनी कमज़ोर है कि हर चीज़ में अपने हस्बैंड को ही लेके आएगी तो ही मतलब कि कुछ हो पाएगा? मैं आपको बता रही हूँ एक छोटी सी स्टोरी। शंकर भगवान, पार्वती जी जो है ना, उनके ऊपर मुसीबत पड़ी थी तो वो शंकर भगवान के पास गई थी और बोली थी कि उनकी रक्षा करें, ऐसे ही मतलब कि औरतों पर भारी विपदा आया है, कुछ ऐसी था, मुझे ठीक से याद नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे शंकर भगवान ने ये बोला कि जब भी किसी स्त्री पे कोई मुसीबत आती है तो वो पुरुष की तरफ ही क्यों भागती है?
कभी पिता, कभी भाई, कभी पति, वो खुद भी तो सक्षम है इस चीज़ में, वो खुद भी तो लड़ सकती है इन सारी चीज़ों से, तो एक पुरुष का ही सहारा क्यों? तो जब हम खुद को असहाय और ऐसा कमज़ोर समझ लेते हैं ना, तभी हमें सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा क्या है कि यहाँ पे इस चीज़ के लिए हमें किसी पुरुष की सहारा की ज़रूरत है कि हम बात नहीं रख सकते, अपनी बात नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, या फिर हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हम किसी को लेके आए? अगर नहीं कर सकते तो हमें वो सारी चीज़ें ही नहीं करनी चाहिए, और अगर कर सकते तो किसी और को लाने की ज़रूरत क्या है? बात जहाँ जिस चीज़ की हो रही है बस वही बात हो। और हमेशा ही एक और बात है जो मैंने अभी शंकर और पार्वती जी को बोला, तो हमारे जो संस्कृति है, संस्कार है, हमारे जो जो भी पुराण है, जो भी भगवान जी की से रिलेट जो भी सारी चीज़ें हैं, उस हर जगह पे देवी को बहुत उच्च स्थान दिया गया है, औरतों को बहुत माना गया है। हर भगवान से पहले औरतों का नाम लिया जाता है। बहुत सारी ऐसी शक्तिपीठ है जिसे बोल सकते हैं, चाहे दुर्गा माता का हो, वैष्णो देवी का हो, किसी भी रूप में हो, औरतों की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है शक्ति के लिए। आज भी काली जी की किसी को शक्ति लेना होता है तो वो काली जी की पूजा करते हैं ताकि उन्हें शक्ति प्रदान हो सके। और सिर्फ औरत ही नहीं, पुरुष भी मर्द भी पूजा करते हैं उनकी, उनसे शक्ति लेने के लिए। तो औरतों को अपने आप को इतना कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ वक्त पे बोलने की ज़रूरत है और सही जो है वो करने की ज़रूरत है। किसी भी रिलेशन को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है कि चलो हम, अगर हमारे पास कोई शक्ति है, अब ये मैं नहीं कह रही कि हम औरत है और हम बोल सकते हैं या हमारे पास शक्ति है तो हम सारे रिश्ते को ख़राब कर दें, नहीं। यही असली ताकत होती है कि हमें देखना होता है कहाँ सही है, कहाँ गलत है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, किस रिश्ते को कैसे संभालना है।